हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज फिर से केक बनाते हैं, जो कि 2 kg केक रहेगा आज जो मैं बनाऊंगा। इसका मैं कटिंग पहले से कर लिया था, 3 लेयर कर चुका हूँ, प्लस जो इसमें कटिंग्स डलेगा उसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वेनिला स्पंज है, एग वाला स्पंज है, ये एगलेस भी नहीं है और प्रीमिक्स वाला से भी बना हुआ नहीं है, ठीक है। जो हम लोग बेकरी में खुद से बनाते हैं मैदा चीनी वही वाला है। और ये बटर स्कॉच फ्लेवर में बनेगा केक, जो कि मैं इसका मिक्स करके रख लिया था फ्लेवर पहले से क्रीम में। अब इसका चलिए कटिंग सेट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि स्लिप ना करे बाहर, ठीक है। तो जहाँ जैसा सेट होगा उस हिसाब से सेट करना होगा, और प्लस फिर एक ही लेयर देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा हाइट करना पड़ेगा। 2 kg का केक है तो ऐसे सीट से डायरेक्ट कट करते हम लोग तो बहुत छोटा सा रह जाता है, ज़्यादा हाइट होता नहीं है, इसलिए कटिंग साइड का जो उसका बचता है उसका बीच में लेयर डाल के ये देख सकते हैं शुगर सिरप ऐड कर दिए उसमें फिर से, और फिर से क्रीम डालिए। और अभी 2 से 3 लेयर इसमें मिक्स करना होगा बस। और इसमें एक फ्लावर का है तो फ्लावर भी बना करके दिखाएंगे, थोड़ा अलग है, नॉर्मल जो रोज़ बनाते हैं उस टाइप का नहीं है। तो कैसे क्या करना है वो चीज़ मैं बताऊँगा, तो वीडियो पर बने रहें लास्ट तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लास्ट हो गया, ये भी लेयर मेरा कम्प्लीट। अब इसका साइड से कटिंग कर लेंगे ताकि अच्छे से आइसिंग हो जाए फिनिशिंग में। ये देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा इसमें था टोटल सब कटिंग करके ख़त्म कर देंगे फिनिशिंग, ताकि जब हम केक बनाएंगे क्रीम लगाएंगे तब देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग हो गया है। और ये लाइट ऑरेंज कलर चढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आइसिंग जो कर रहा हूँ लाइट ऑरेंज कलर है जो कि मिक्स किया था क्रीम में, विप क्रीम में। और क्रीम के लिए भी एक जन का सवाल रहता है ना, आप कौन सा अच्छा रहता है और कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं तो यूज़ करता हूँ स्टार विप रिच कंपनी का, ठीक है, जो कि लगभग बाकी जो क्रीम्स रहता है उससे अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन बोले तो ये थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है, मेल्ट जल्दी नहीं होता है। और दूसरा क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, कुछ भी कलर डालो या फिर कुछ भी स्लैब पे हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी मेल्ट होता है, ये उस तरह से नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है मेल्ट होने में। और अगर एसी में काम करें तो फिर ये मेल्ट होगा ही नहीं, नॉर्मल गर्मी में तो हो जाता है। तो ये देखिए आइसिंग इसमें हम कर ले रहे हैं फिनिशिंग, ठीक है। और गर्म पानी का यूज करते हैं हम लोग केक फिनिशिंग करने के लिए, क्योंकि उससे थोड़ा अच्छा अच्छे से मतलब हो जाता है। और प्लस आइसिंग नाइफ और प्लस ये जो स्क्वायर वाला देख रहे हैं, ठीक है, वाइट वाला प्लास्टिक का सीट, इसी से बस 2 आइटम रहता है हम लोग का फिनिशिंग करने के लिए। प्लस ये डार्क ऑरेंज फ़ोटो मॉडल था, ये जो मेरे पास आया था वो फ़ोटो केक है, जो कि फ़ोटो में जो था वो मैं इसमें कर रहा हूँ। पूरे में कवर करना था नीचे डार्क, फिर लाइट ऑरेंज करना था बस। अब इसको मिक्स कर देंगे, आप कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं था, दोनों साइड से मतलब नीचे और ऊपर हमें फ्लावर लगाना पड़ेगा, इसमें फ्लावर भी बहुत सारा बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा फ्लावर नहीं है, ज़्यादा फ्लावर बनाना है तो। और थोड़ा अलग टाइप का है फ्लावर, बोले तो नॉर्मल जो रोज़ फ्लावर बनाते हैं उसका नहीं, वैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल का बनाना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा कर करके, तो वो भी आप लोग को हम बताएंगे कैसे बनाना है। तो ये हमारा हो गया बेस फिनिशिंग, अब चलिए फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैमरा इधर में घुमा दिया, ठीक है। और ये जो नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ R11 नोज़ल है, ये फ्लावर में करना कुछ नहीं, ठीक है, जैसे एक साइड से लिए तो बस कट करते जाना, कट करते जाना है, बस घुमाते जाइए। एक मैं स्लो करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला जो फ्लावर बनाऊँगा स्लो कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लो, तो देख सकते हैं स्लो कर दिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमें पिलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिलर जो ज़्यादा जरूरत है, बस ये घुमा दिया, फिर वहीं से लीजिए, फिर घुमा दिए, फिर वहीं से लीजिए, मतलब इसमें आगे नहीं बढ़ना है, वहीं से लेके नीचे से उतरना है, ठीक है। नीचे से पहले 3-4 बार उतर गए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाना धीरे धीरे। आप देख सकते हो कितना अच्छा डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है, फिनिशिंग में पूरा आप देख सकते हो बन गया। अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से देख सकते हो, पूरा स्लो में है और समझ आ जाएगा आप लोग को देखने से 1-2 बार, मतलब एक जगह से लेना है, ठीक है, फिर उसको वहीं से 2-3 लाइन सेम नीचे उतारना है, ठीक है, 2-3 से 4 लाइन हो गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाइए आगे, बस अब देख सकते हो फ्लावर देखने समझ में आ रहा होगा, वहीं से लिए और फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते चले जाइए, बस सेम वैसा बन जाएगा।
तो चलिए अब इसमें सेट कर लेंगे हम, जो कि जो भी फ्लावर्स बनाए थे टोटल बना लिया था, और ऊपर से जो मैं कलर स्प्रे किया हूँ ऑरेंज कलर का डस्ट जो कलर रहता है वही वाला। तो इसमें फर्स्ट बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है, ऊपर से नीचे को, नीचे की तरफ उतरा हूँ वैसा वाला सिस्टम है। ऊपर डाल दिया, सेम नीचे भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा, और प्लस चॉकलेट्स भी इसमें लगाना है, तो भी कहाँ लगेगा वो आगे आप देखिए। तो ये हो गया मेरा फ्लावर सेट, ठीक है। अब इसमें हम ग्रीन पत्ता लगा देते हैं, लेकिन ये पत्ते के जैसा नहीं है, सिर्फ राउंड निकालना है, ज़्यादा कस के दबा दिया उसको। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब नीचे भी सेम वैसे ही लगा लेंगे, इसका पत्ता शेप में कट नहीं किया मैं, वो डायरेक्ट ही राउंड से ही निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि जो फोटो मेरे पास था उसमें भी सेम ऐसा ही था। आप प्लस चॉकलेट भी लगा हुआ था इसमें, तो आप देख सकते हैं ये मैं डार्क और वाइट कंपाउंड से बनाया था फोल्ड करके। चॉकलेट गार्निश का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं, पेज पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए सुनील केक मास्टर चॉकलेट गार्निश तो आ जाएगा। बस ऐसे ही पूरा इसमें सेट कर लेंगे, ठीक है, और बीच बीच से डाल देंगे ताकि पूरा गाढ़ा हो जाए, देखने में भी अच्छा लगे। सिर्फ ऊपर में डालना है हमें, नीचे वाले फ्लावर्स में नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर। तो ये हो गया, अब इसमें सिल्वर बॉल डाल दे रहा हूँ, मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और इसमें जेल से डॉट डॉट लगाना पड़ेगा, आप देख सकते हो रेड कलर का। पूरा केक मतलब पूरा भरपूर भर देना, ठीक है, बस बस लास्ट यही था, हो गया, ठीक है। अब ये भी फ्लावर केक कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि पता चले जो मैं केक्स बनाता हूँ आप लोगों को पसंद आता है या नहीं, वो भी लिखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, और बताइएगा ज़रूर ये केक आप लोगों को कैसा